हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 2.1 ऑफ योर बुक। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? राइट द स्मॉलेस्ट होल नंबर। कैन यू राइट द लार्जेस्ट होल नंबर? ओके, लेट्स स्टार्ट। Write the smallest whole number. Can you write the largest whole number? Smallest whole number is 0. As we learned in the first video, the smallest whole number is 0. And no, we cannot write the largest whole number. Now question 2. Write the successor of each of the following numbers. What is the meaning of successor? Successor means plus 1, the given number. The successor of the following numbers, we will add 1 in each of the number, then we will get the successor of each number. Question number 3. Write the predecessor of each of the following number. Students, what is the meaning of predecessor? Predecessor means minus 1 from the given number. So for that we are going to minus 1 from each of the given number. 500 minus 1, 499. 38794 minus 1, 38793. And 54,78,009,011 minus 1 is equals to 54,78,009,010. Now next question 4. Write the whole number in each of the following whose successor is. यानी कि आपको एक whole number लिखना है जिनके successor हैं ये। अगर आपके पास successor है और आपको required number find out करना है, तब क्या करते हैं? As मैंने आपको example में समझाया था कि आप उस नंबर का प्रीडेसर फाइंड आउट, जो भी आपको सक्सेसर गिवन है इसका प्रीडेसर निकाल देंगे, तब आपके पास आ जाएगा द रिक्वायर्ड नंबर। यानी कि द रिक्वायर्ड होल नंबर इक्वल्स टू प्रीडेसर ऑफ द गिवन नंबर। सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू माइनस 1 फ्रॉम ईच ऑफ द गिवन नंबर। व्हेन सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 50,795 इट विल बी 50,794। फ्रॉम 720,300 माइनस 1 वी गेट द आंसर 720,299। एंड फ्रॉम 83,00,000 माइनस 1 इक्वल्स टू 82,99,999. Now question 5. Write the whole number in each of the following whose predecessor is this. यानी कि आपको वो होल नंबर लिखना है जिनके प्रीडिसेसर हैं ये। यानी कि आपको नंबर का प्रीडिसेसर दिया हुआ है, तो प्रीडिसेसर से आपको वो नंबर अगर फाइंड आउट करना है तो देन द रिक्वायर्ड होल नंबर विल बी सक्सेसर ऑफ द गिवन नंबर। यानी कि इन नंबर से मैं आप जब 1 ऐड कर देंगे तो आपको वो रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा, क्योंकि ये इस जो नंबर है उसका प्रीडिसेसर है। यानी कि इसमें से ऑलरेडी माइनस 1 हुआ है, तो सभी में 1 ऐड करते जाएंगे देन वी विल गेट द रिक्वायर्ड नंबर। Question 6. Write next 3 consecutive whole numbers of the following number. यानी कि इन तीनों के consecutive whole number बताने हैं, यानी कि continue इनके बाद आने वाले next 3 number. After 79, 80, 81, 82. After 598, 599, 600, 601. And after 35,669, the number will be 35,670, 71 and 72. Now question 7. Write 3 consecutive whole number occurring just before 320,001. यानी कि 320,001 के जस्ट बाद आने वाले, जस्ट बिफोर, जस्ट पहले, यानी कि इससे पहले आने वाले 3 consecutive whole number। तो तीन इससे पहले 3 नंबर निकालने के लिए हम 111 माइनस करते जाएंगे जो आता जाएगा उसमें से। यानी कि अगर आप इसमें से माइनस 1 करेंगे जो नंबर आपको गिवन है, तो आपके पास नंबर होगा 33,20,000। फिर उसमें से माइनस 1 करेंगे तो 3,19,999। और फिर से माइनस 1 करेंगे तब आपके पास थर्ड नंबर आ जाएगा 3,19,998। तो दीज आर द 3 कंसेक्यूटिव
होल नंबर कम्स बिफोर 32,320,001. आई होप स्टूडेंट दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. नाउ कम टू क्वेश्चन 8. हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 38 एंड 68. यानी 38 से 68 के बीच कितने होल नंबर्स हैं. 38 से 68 के बीच बताना है. तब आप क्या करेंगे, 38 को भी छोड़ देंगे, 68 को भी लेफ्ट कर देंगे और इसके बीच के जितने नंबर हैं सबको काउंट कर लेंगे. तो काउंटिंग जब स्टार्ट करेंगे आप 39, 40, 41, तो इसका ईजी मेथड है. आप टोटल सिक्सटी सेवन में से 38 को माइनस कर देंगे तो बीच के सारे नंबर आपके निकल आएंगे जो कितने हो जाते हैं 29. तो फिर द होल नंबर्स बिटवीन 38 एंड 68 आर 29. ओके तो स्टूडेंट्स ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि 67 में से 38 तक 67 में से 38 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वी विल गेट द नंबर ऑल द होल नंबर्स बिटवीन 38 एंड 68. नाउ पार्ट टू, हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 99 एंड 3000. अब 99 से 300 के बीच फाइंड आउट करना है. तब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 299 में से 99 को माइनस कर देंगे. तब आपका क्या होगा कि 99 से लेकर 300 के बीच के जितने भी नंबर हैं वो सारे होल नंबर्स निकल आएंगे. ओके आई होप स्टूडेंट दिस क्वेश्चन इज नाउ क्लियर टू यू. कम टू क्वेश्चन 9. राइट ऑल होल नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200 विच डू नॉट चेंज इफ द डिजिट्स आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर. यानी कि 100 से 200 के बीच में जितने भी होल नंबर्स हैं वो बताने हैं आपको, पर कंडीशन ये है कि वो नंबर्स चेंज नहीं होने चाहिए चाहे जब हम उनको रिवर्स ऑर्डर में लिखे तो भी. तो देख लेंगे स्टूडेंट कैसे करेंगे. द होल नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200 विच डू नॉट चेंज इफ द डिजिट्स आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर. तो वो नंबर हो जाएंगे 101 111 121 131 141. अब आप इनको रिवर्स भी करके देख लीजिए तो भी यही नंबर आएंगे, 151 161 171 181 191. ओके दीज आर ऑल द नंबर्स विच डू नॉट चेंज when we write in reverse order. Now next question, question number 10. Question 10 is how many two digit whole numbers are there between 5 and 92. यानी कि 5 से लेकर 92 के बीच में two digits कितने whole numbers हैं. ठीक है, two digit वाले. तो two digit numbers between 5 and 92 will be from, यानी कि two digit number कहाँ से start होंगे. 5 से तो नहीं स्टार्ट हो सकते, 5 से 92 के बीच बताने हैं, पर लेकिन टू डिजिट नंबर तो स्टार्ट 10 से होंगे. तो 10 से 91 तक हमें देखने हैं कितने नंबर हैं. तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 91 में से 9 को माइनस कर देंगे. यानी कि 91 तक के नंबर में से हमने वन डिजिट सारे नंबर्स को माइनस कर दिया तो हमारे पास टोटल टू डिजिट नंबर निकल के आ जाते हैं 82. द नंबर्स बिटवीन 5 एंड 92 विल बी 82. क्वेश्चन नंबर 11. हाउ मेनी थ्री डिजिट होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 72 एंड 407. अब आपको बताना है 72 से लेकर 407 के बीच में टोटल थ्री डिजिट होल नंबर्स कितने हैं. तो वही स्टूडेंट्स की थ्री डिजिट होल नंबर्स स्टार्ट कहाँ से होंगे, 100 से. दे विल बी स्टार्ट फ्रॉम 100. 100 से लेकर कहाँ तक के नंबर देखने हैं, 406 तक के. तब आप क्या करेंगे, 406 में से टोटल 406 नंबर में से आप 99 यानी कि टू डिजिट नंबर जितने हैं हमारे टोटल 99 टू डिजिट नंबर है, 1 और 2 डिजिट नंबर, इनको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 307 विच आर द होल थ्री डिजिट नंबर अप टू 406. आई होप स्टूडेंट्स दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू. स्टूडेंट्स ऑल द क्वेश्चंस आर फिनिश्ड. Thanks for watching the video. I hope you will understand all the questions of exercise 2.1. Thank you for watching the video.